हार्दिक के ये पांच हथियार क्या इस बार लगाएंगे उनका बेड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2023 में भी सबसे मजबूत माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात टाइटंस क्वालिफायर करने वाली सबसे पहली टीम बनेगी। गुजरात टाइटंस शानदार खेलेगी और यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात टाइटंस चैंपियन भी बन सकती है। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? हार्दिक पांड्या के वो कौन से पांच हथियार हैं, कौन से वो पांच खिलाड़ी हैं जिनके दम पर हार्दिक पांड्या 2023 में चैंपियन बन सकते हैं? तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर हम आप लोगों को जानकारी देंगे। हार्दिक पांड्या के उन पांच खिलाड़ियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिन पांच खिलाड़ियों के इर्द गिर्द गुजरात की जीत और हार तय होती है, जिन पांच खिलाड़ियों को इस बार भी चैंपियन माना जा रहा है। तो सबसे पहले खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल गुजरात की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। पांच अर्धशतक अभी तक लगा चुके हैं, शतक लगा चुके हैं, धुआंधार बल्लेबाजी कर चुके हैं, कमाल की फॉर्म में है और कह सकते हैं कि ओपनर के तौर पर शुभमन गिल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो शानदार है। और शुभमन गिल का बल्ला गुजरात को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। 2022 की तरह 2023 में भी शुभमन गिल बेहतर शुरुआत दे रहे हैं। उसके बाद में दूसरे खिलाड़ी है तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो पावर प्ले में विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल है। दूसरी बात, मोहम्मद शमी का इकोनॉमी 8 से नीचे है, 7 कुछ का है, तो इससे भी पता चलता है कि वो विकेट भी ले रहे हैं और वो रन भी नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। मोहम्मद शमी कमाल की गेंदबाजी करके बहुत विकेट चटका रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए, तो मोहम्मद शमी एक अहम किरदार होंगे। उसके बाद में जो किरदार होंगे वो है राशिद खान। तीसरे किरदार के तौर पर राशिद खान अहम है क्योंकि राशिद खान ना केवल विकेट चटका रहे हैं बल्कि रन भी बना रहे हैं। मुंबई के खिलाफ हमने उसका नजारा भी देखा, विकेट के साथ साथ राशिद खान ने रन भी बनाए और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, एक फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। राशिद खान आईपीएल 2023 में हैट्रिक भी ले चुके हैं, एक ही हैट्रिक अभी तक आई है वो राशिद खान ले चुके हैं, तो जाहिर तौर पर राशिद खान विकेट के साथ साथ रन भी बना रहे हैं, तो ये एक बहुत अहम किरदार होने वाले हैं गुजरात टाइटंस के लिए। तीन खिलाड़ी हो गए। चौथे खिलाड़ी के तौर पर मोहित शर्मा। मोहित शर्मा आईपीएल 2023 में अभी तक जिस तरीके की फॉर्म में खेले हैं, अपने दम पर 2 मैच जिता चुके हैं, आपको याद होगा अपने दम पर 2 मैच जिता चुके हैं। बात चाहे बीच के ओवर्स की कर लीजिए, शुरुआत के ओवर्स की कर लीजिए या फिर आखिर में डेथ ओवर्स की कर लीजिए, मोहित शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई है। और कह सकते हैं कि एक जो कमी थी थोड़े से गेंदबाज की हार्दिक पांड्या के साथ और मोहम्मद शमी के साथ, वो मोहित शर्मा ने कमी को पूरा किया है, तो जाहिर तौर पर मोहित शर्मा भी गुजरात की जीत के एक चौथे हीरो के तौर पर रह सकते हैं। पांचवें हीरो के तौर पर जिस खिलाड़ी का नाम मैं बताऊंगा शायद आप हैरान रह जाएंगे, ना वो हार्दिक है ना वो मिलर है। जी हां, उस खिलाड़ी का नाम है नूर अहमद। नूर अहमद के बारे में यह कहा जा रहा है कि इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन करके दिखाया है वो शानदार है, कमाल है, जोरदार है, धमाकेदार है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने बहुत कम मैचों में जिस तरीके की गेंदबाजी की है और राशिद खान के साथ जो चौकड़ी इसने बनाई, जो जोड़ी इसने बनाई है वो कमाल की है। और आईपीएल 2023 में बात कही जा रही है कि नूर अहमद का गुजरात की जीत में, गुजरात को चैंपियन बनाने में एक अहम किरदार हो सकता है। तो गुजरात के ये वो पांच खिलाड़ी हैं जिन पांच खिलाड़ियों के दम पर गुजरात चैंपियन बन सकती है, क्योंकि हार्दिक का प्रदर्शन भी 2023 में उस तरीके का नहीं रहा, मिलर भी उस तरीके से नहीं खेल पाए हैं, राहुल तेवतिया का भी उस तरीके का मिला जुला प्रदर्शन रहा है। सबसे बड़ा प्रदर्शन या तो शुभमन गिल, उसके बाद में मोहम्मद शमी, उसके बाद में मोहित और राशिद और नूर, ये पांच वो खिलाड़ी हैं, पांच वो हीरे हैं जो गुजरात को चैंपियन बना सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में इन पांच खिलाड़ियों के दम पर गुजरात चैंपियन बन पाएगी या फिर आपकी नजर में कोई और खिलाड़ी, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।